क्या आप मीशो पे अर्निंग करना चाहते हैं घर बैठे या ऑलरेडी आप मीशो से अर्निंग कर रहे हैं तो आज का वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं मीशो पे अर्निंग करने के टाइम। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको एक नॉलेज रहेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है और आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुष्मिता, वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या प्रॉब्लम होगी मीशो पे वो आप जान लीजिए। पहले तो आप दो तरह से इनकम कर सकते हैं मीशो पे। एक है आप प्रोडक्ट का रीसेलिंग करवाएंगे और उसके ऊपर अपना जो प्रॉफिट है वो मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो वो मेन कमीशन आपका जो प्रॉफिट है वही मेन अर्निंग रहेगा आपका। और दूसरे तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, वो हुआ रेफरल्स। अगर आप मीशो पे किसी अदर्स इंसान को रेफ़र करते हैं, वो मीशो के साथ जुड़ता है, काम करता है, तो उसका एक कमीशन मीशो आपको देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, जब भी कोई आपके रेफरल से आता है तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिलअप करें, आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखना, उन लोग को बता देना कि आपका कोई डिटेल्स उसमें वो ना डाले, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, कुछ भी अगर सेम आपके साथ मैच होता रहा तो ही आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो पहले मीशो ये वॉच करता रहेगा कि आपके जो रेफरल आ रहे हैं उसमें आपका डिटेल्स है कि नहीं। ये कंटिन्यू होता रहा तो मीशो समझ जाएगा कि आप फेक अकाउंट बना के मीशो को धोखा दे रहे हैं। तो वो मीशो क्या करेगा, आपका जो अर्निंग है वो धीरे धीरे कम करता रहेगा। जैसे 20% अगर आपका रेफरल मीशो से आपके अकाउंट का जो डिटेल्स है उससे मैच करता रहा तो मीशो ऑटोमेटिकली आपका जो 30% अर्निंग है वो लो कर देगा। और यही अगर कंटिन्यू चलता रहा, मतलब इस तरह से आपका जो रेफरल आ रहा है, आपका डिटेल्स यूज़ कर रहा है, तो मीशो पूरा समझ जाएगा कि आप ही डुप्लीकेट करके मीशो को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या करेगा मीशो, आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर देगा और बंद भी कर सकता है। तो अगर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा तब सोचिए आपका क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तब आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कस्टमर केयर को ही फ़ोन करेंगे मीशो में। लेकिन मीशो का कस्टमर केयर जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों को पता होगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कस्टमर केयर जो अच्छा नहीं होने के कारण वो लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि किस वजह से आपका अकाउंट का जो ये हालत है वो हुआ है, यानी कि अर्निंग कम हो गया या बंद हो गया, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप कस्टमर केयर के भरोसे तो मत ही रहिए, वही आपके लिए बेटर है। इसीलिए वीडियो को इन तक पूरा देख लीजिए तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो फ्रेंड्स, और एक बात इम्पॉर्टेंट सुन लीजिए, अगर आप मीशो से बड़ा अमाउंट का ऑर्डर मंगवा रहे हैं, लाइक 10,000-15,000 हो सकता है मंगवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस जो पूरा अमाउंट है उसका एक बार में नहीं ऑर्डर मंगवाना है। आप उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे 5,000-5,000 करके आप तीन बार मंगवाइए 15,000 का ऑर्डर, तो आपको अर्निंग में दिक्कत नहीं आएगी। अगर एट ए टाइम आप बहुत सारा ऑर्डर एक साथ मंगवा लेते हैं तो मीशो क्या करेगा, आपको 5,000 का ही जो अर्निंग का कमीशन है वो आपको देगा, और एक्स्ट्रा जो बड़ा अमाउंट है उसका कमीशन वो आपको देने में दिक्कत करेंगे। तो आपको क्या होगा, आप ऑर्डर भी बहुत सारा मंगवा लिए और आपका जो मार्जिन है वो कम रहेगा। इसीलिए आपको अगर बड़ा अमाउंट का ऑर्डर लेना है तो आप पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा करके मंगवाइए, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो मीशो में जब आप यूज़ करेंगे, काम करेंगे, ये सब बातें आप ध्यान रखना तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपके अर्निंग में भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल था जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं मीशो के साथ घर बैठे उन लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस को लाऊं जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना, और कमेंट्स में जाके आप मुझसे ज़रूर बोलना कि किस तरह के वीडियो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं, वही वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो मुझे मेरे जो और सोशल मीडिया है वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो, सब में आप मुझे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।